हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब मैं हूं गौरव काबरा और एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इनफैक्ट पूरे चैनल पे आपका स्वागत है दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर दोज सी एफ ए कैंडिडेट्स टू गिव द एग्जामिनेशन वेरी वेरी सून वो सारे कैंडिडेट्स मुझे कब से मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें एग्जाम में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है प्लीज हेल्प अस विद दैट तो देखो इस पर ऑलरेडी सी एफ इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर रखा है कि कौन सी चीजें अलाउड है कौन सी नहीं है इनफैक्ट अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पाएंगे दैट दे हैव अ सेपरेट

एग्जाम में क्या लेकर के जा सकते हो इस पे इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लैरिफाई कर रखा है कि आप एक्जैक्टली exactly क्या क्या ले जा पाओगे टॉकिंग अबाउट दिस सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिस इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट सो ध्यान रखिएगा इसका

तो कैलकुलेटर so, तो है, है, है तो आप उन्हीं से कोई एक लेके जा सकते हैं हाँ ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या आप एक से ज्यादा कैलकुलेटर ले जा सकते हैं तो जवाब है जी हाँ एकदम ले जा सकते हैं एंड अगर आप कोई एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह कुछ भी लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं सो so, दैट्स पॉइंट नंबर वन जो कि एग्जाम में अलाउड होगा पॉइंट नंबर टू की अगर मैं बात करूं तो आई ग्लासेस ऑब्वियसली मैंने भी पहन रखे हैं इसके बिना दिखेगा नहीं तो आई ग्लासेस ऑब्वियसली आप ले जा सकते हैं बट अगर आप एक सेपरेट केस लेकर के चलते हैं कई लोगों को शौक होता है केस लेकर के चलने का तो वो अलाउड नहीं होगा एग्जाम में सो यू कैन वेयर योर स्पेक्टिकल्स यू कैन वेयर योर आई ग्लासेस बट यू कैन नॉट कैरी एनी केस सो दिस इज इंपॉर्टेंट नंबर थ्री फेस मास्क ऑब्वियसली अलाउड है अगर आप uh, uh, आपके गवर्नमेंट कंडीशन या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है तो फिर ऑब्वियसली आपको फेस मास्क लेके ही जाना है अदरवाइज भी मैं कहूंगा अपनी सेफ्टी के लिए फेस मास्क जरूर लेकर के जाए थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक्चुअली इज वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट का मतलब क्यों हो गया कि आपका पासपोर्ट आसपास भी नहीं होना चाहिए अपने एक्सपायरी के उसमें रीजनेबल टाइम होना चाहिए टू एक्सपायर एट द सेम टाइम इस पासपोर्ट पे जो नाम है और आपके सीएफ इंस्टीट्यूट की जो प्रोफाइल है उस पर नाम एक्जैक्टली exactly मैच हो जाना चाहिए व्हेन आई से एक्जैक्टली तो एकदम एक्जैक्ट बोल रहा हूँ अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ दी एफ इंस्टीट्यूट एक्चुअली स्टॉप्ड मेनी स्टूडेंट्स इन द पास्ट टू अटेंड द एग्जामिनेशन सो दैट कैन बट जस्ट इनके हिसाब सोचो कि भैया अपनी प्रोफाइल को बदल देते हैं सर अपनी प्रोफाइल को बदल देते हैं और अपना नाम चेंज कर लेते हैं सो आई डाउट कि अब शायद लेट हो गया है क्योंकि अगर आपका एग्जामिनेशन एकदम सामने ही है तो फिर आप शायद नाम नहीं बदल पाओगे या फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपकी प्रोफाइल पर बट नन अगर आप सच में इस सिचुएशन में फंसे हुए यू कैन ट्राई दैट एज वेल बट मेरे हिसाब से सी एफ इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल पर और आपके पासपोर्ट पर दोनों पे मैच करना चाहिए आपका नाम एग्जैक्टली इसके अलावा पासपोर्ट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए फाइनल पॉइंट इज मेडिकल नीड्स ऑब्वियसली अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है या फिर में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिकल ग्राउंड्स पे अलाउड होनी चाहिए तो वो सारी चीज़ें अलाउड होंगी फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसएबल्ड uh, पर्सन है जो कि व्हील चेयर के सपोर्ट से ही चलते हैं तो ऑब्वियसली व्हील चेयर विल बी अलाउड इसी के अलावा आपकी कोई मेडिसन्स है कुछ भी है एवरी विल बी अलाउड तो मेडिकल नीड्स पे डोंट बी

एग्जाम में हालांकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको स्टेशनरी भी मिल जाएगी यानी कि यू विल बी गिवन अ पेन टू राइट यू विल आल्सो बी गिवन अ पेज वो ऑलरेडी क्लियर है दैट यू विल बी गिवन अ पेज और रफ शीट जिस पे आप अपनी रफ कैलकुलेशंस कर पाओगे क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन तो पूरा ही सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो यू विल बी गेटिंग अ रफ शीट फॉर श्योर लेकिन इसके लिए स्टेशनरी ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं इस पर क्लैरिटी इंस्टीट्यूट की भी नहीं है हालांकि इंस्टीट्यूट कहता है कि वो स्टेशनरी प्रोवाइड कर देगा लेकिन फिर भी अपना लेकर के जाओ कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है

नहीं वो अलाउड नहीं होगी तो एक ध्यान रखिएगा कि आप अपनी घड़ी ना ही ले जाए एग्जाम पे तो बेटर है इनफैक्ट अपने मोबाइल वगैरह कुछ भी है अगर हो सके अगर आपके घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है सेंटर घर पर ही छोड़ करके जाए इसके रीजन ये है कि पर्सनल बिलोंगिंग एरिया में इंस्टीट्यूट विल नॉट टेक एनी चार्ज और विल नॉट टेक एक्सेप्ट एनी एलिगेशन जस्ट कोई प्रॉपर्टी मिस आउट हो जाती है तो इस वक्त इंस्टीट्यूट का एकदम क्लियर स्टैंड है प्रोमैट्रिक का भी एकदम क्लियर स्टैंड है कि कल को कोई भी सेंटर से किसी का भी कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग गायब होता है तो उसमें सी एफ इंस्टीट्यूट या फिर प्रोमेट्रिक विल नॉट बी हेल्ड लाइबल सो so, दैट इज रिस्की एंड इसी वजह से मैं ये कहूंगा कि आप जो भी एक्सपेंसिव स्टफ है या फिर जो भी ऐसे आइटम है जो कि आपके लिए जरूरत नहीं है आप एग्जामिनेशन में उसके बिना काम चला लोगे घर पर ही छोड़ के जाओ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली फूड एंड ड्रिंक इज नॉट अलाउड एग्जाम देने जा रहे हो तो खाना पीना अलाउड नहीं है हाँ बीच में जो आपको ब्रेक मिलेगा उस ब्रेक में यू कैन गो आउट एंड यू कैन हैव एनीथिंग दैट यू वॉन्ट लेकिन एग्जाम के सेंटर के अंदर ऑब्वियसली अलाउड नहीं है और पर्सनल बिलोंगिंग एरिया में आपको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं बैगेज कोई भी तरह का अलाउड नहीं है स्टडी मटेरियल फॉर ऑब्वियस रीजन अलाउड नहीं है विस वॉच इज नॉट अलाउड वेपन्स नॉट अलाउड एंड ज्वेलरी भी अलाउड नहीं है बट डोंट वरी अबाउट इट रिंग्स वगैरह ये जो छोटे मोटे आइटम है अगर आप रिंग पहनते हैं सो दैट कैन बी अलाउड लेकिन इसके अलावा प्राइम एप ऐसी आप यही समझिए कि ज्वेलरी वगैरह भी अलाउड नहीं है नाउ लेट मी टेल यू ऑब्वियसली इसमें आपके वॉलेट uh, की बात आती है कि क्या वॉलेट अलाउड है तो वो भी नहीं अलाउड है यस दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो भी अलाउड है दैट शुड बी केप्ट ऑन योर डेस्क आप अपने जेब वगैरह में नहीं दे करके घूम सकते सो यू विल हैव टू कीप दैट एट योर डेस्क और उसी में आप ये सारी चीजें जो अलाउड है उतना ही लेकर के जा सकते हैं सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूट कई चीजों को एग्जामिनेशन में अलाउव नहीं करता है उसको आपको पर्सनल बिलोंगिंग एरिया में रखना पड़ सकता है एंड पर्सनल बिलोंगिंग एरिया में कोई भी महंगा सामान ना रखें ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा सो यही था एक छोटा सा वीडियो जो कि आपको आई होप ये समझने में मदद करेगा कि क्या-क्या आपको लेकर के जाना चाहिए और क्या क्या नहीं लेकर के जाना चाहिए बात बाकी मेरी तरफ से कीजिए आपने बहुत तैयारी की है एग्जामिनेशन सर पे वॉक करके, करके आओगे so, yes, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करो बात बाकी पढ़ते रहिए और मस्त रहिए बाय